जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल यानी 17 नवंबर 2021 को जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर का दौरा हुआ, निरीक्षण हुआ। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये दौरा कहां से कहां तक किया गया, इस दौरे को करने के पीछे कौन से बड़े कारण थे और उसमें किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण निरीक्षण किया गया, दौरे में कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल यानी 17 नवंबर 2021 को जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री मनेंद्र सिंह गोपल जी का दौरा हुआ, जिसमें अतवारी जंक्शन से नैनपुर जंक्शन और नैनपुर जंक्शन से गाड़ागोड़ से शेड के मध्य निरीक्षण हुआ, जिसका शेड्यूल इस प्रकार देखिए। स्पेशल ट्रेन 16 नवंबर की रात 11 बजे अतवारी जंक्शन से रवाना हुई और 17 नवंबर की सुबह नैनपुर 3 बजे पहुंची। नैनपुर में 2.5 घंटे का हॉल्ट लेकर स्पेशल ट्रेन सुबह 5:30 में रवाना हुई और गाड़ागोड़ से शेड सुबह 7:45 में पहुंची। गाड़ागोड़ से शेड में सभी तकनीकी निरीक्षण किए गए, जिसमें ट्रैक व स्टेशन आदि के निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम सर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और जहां खामी वगैरह पाई गई वहां सुधार करने के लिए बोला गया। निरीक्षण के दूसरे चरण में गाड़ागोड़ से शेड से नैनपुर जंक्शन तक के रेलखंड में विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया गया, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है। स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे गाड़ागोड़ से शेड से रवाना हुई और नैनपुर जंक्शन शाम 7 बजे पहुंची। गाड़ा से नैनपुर तक के रेलखंड में सभी छोटे बड़े स्टेशनों में निरीक्षण आदि किए गए, जहां पाए गए कुछ कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद स्पेशल ट्रेन नैनपुर जंक्शन पहुंचने पर नैनपुर जंक्शन में डीआरएम सर एवं उनकी टीम के द्वारा तमाम तकनीकी निरीक्षण किए गए, जिसमें ट्रैक स्टेशन मैनेजर रूम रैक पॉइंट कंट्रोल रूम आदि के निरीक्षण किए गए, जहाँ सभी चीज बेहतर कंडीशन में पाई गई। दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं इस इंस्पेक्शन को करने के पीछे क्या कारण थे। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। दरअसल आगामी 21 दिसंबर को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर श्री आलोक कुमार जी का एनुअल इंस्पेक्शन होने वाला है। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता दूं, जीएम सर का एनुअल इंस्पेक्शन पहले 10 नवंबर को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो पोस्टपोन्ड हो गया था। लेकिन अब 21 नवंबर को इसका दोबारा से रीशेड्यूल तैयार हुआ है, इसीलिए 21 नवंबर को होने वाले जीएम सर के एनुअल इंस्पेक्शन को देखते हुए 17 नवंबर को डीआरएम सर ने इंस्पेक्शन किया, जिसमें देखा गया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसीलिए 22 तारीख को होने वाले जीएम एनुअल इंस्पेक्शन के पहले 17 दिसंबर को डीआरएम सर ने इंस्पेक्शन किया है। इस इंस्पेक्शन में ब्रांच ऑफिसर्स में एडीआरएम, सीनियर डीईएन, सीनियर डीएसटी, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीडब्ल्यूई, डीन, एओएम आदि ऑफिसर शामिल थे। नैनपुर में इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद स्पेशल ट्रेन नैनपुर से डिपार्ट हुई और रात 11:30 में इतवारी जंक्शन वापस पहुंची। दोस्तों इस प्रकार डीआरएम सर के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए, इंस्पेक्शन करने के पीछे जो बड़ा कारण था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही अगर हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।